19 stereotypes are often misleading. Elaborate on the given quote in the context of the midnight visitor. Okay, सभी ने पढ़ लिया ना midnight visitor. Writer का नाम पता है? शायद नहीं होगा. अच्छा, राइटर का नाम पता नहीं है. अच्छा, श्रेष्ठ ज्वाइन हो गया. श्रेष्ठ, आज का जो काम है कि तुम लोग को आंसर सेंड करना है. क्वेश्चन मैंने सेंड किया. अभी 19 का सेकंड चल रहा है, स्टीरियोटाइप और ओपन मिसलीडिंग. ओके ठीक है. यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है इसके जो एक बार में मॉडल आंसर यहाँ पे जो दिया उसको बताते भी तुम लोग के आंसर भी चेक करते हैं. ओके अच्छा, इसमें जो कैरेक्टर है कैरेक्टर का नाम क्या क्या है बेटा? ऐसे बोले ना, मतलब काफ़ी अच्छे नाम ना. ऐसे बोले ना, Asabol did not fit any description of a secret agent. Did not fit any description of the secret agent. He did not seem to be so smart, active, movable, aggressive and romantic as we read in book or see in films. He was very fat and sloppy. The crack of pistols, wine, dark-eyed beauties had nothing to do with Asabol. Hence, stereotypes are open. मिसलीडिंग. ओके, जो सोचते हैं वो नहीं है, है ना. फिक्स्ड आइडिया हम लोग का उसके बारे में जो था वो नहीं. अभी यहाँ पे वंशिका भी लिख रहे और बाकी बच्चे भी नहीं लिखे हैं तो उसके मैं चेक करता हूँ. ठीक है, एक तो आंसर से तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल गया. अभी जो आंसर सेंड किया गया है आदित्य ने आंसर सेंड किया हो. सेकेंड सेकेंड द मिड नाइट विजिट इन द मिड नाइट विजिटर दैट Asabol वुड बी ए स्पाई हु वुड बी स्ट्रॉन्ग एंड this dealing in espionage and dangerous he would be a mysterious dark figure finding with handwriting thori si alag lag raha hai but what he was the complete opposite Asabol was a sloppy fat man who just seemed very very this is why अच्छा ठीक है. बेटा आदित्य सिंह, कभी तुम्हें जब मतलब हैंड राइटिंग से बेटा बहुत टाइम लगता है इसे चेक करने में. हैंड राइटिंग तुम्हारा ज़्यादा सही नहीं, सही करिएगा थोड़ा. अजीत सिंह का सेकंड वाला चेक हुआ. उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रेरणा ने अभी तो वही लिख के रखे हैं. ये तो थर्ड क्वेश्चन है प्रेरणा ने. शिवेंदु अभी तक सेंड नहीं किया. तानिश का सेंड कर दिया. ओके ठीक है, तानिश का चेक कर लेते हैं क्या लिखें. स्टीरियोटाइप फॉर ए स्पाई. स्टीरियोटाइप फॉर ए स्पाई इज ए फिट बॉडी फेसिंग थ्रिलिंग सिचुएशन अवे एवरी मोमेंट. However, Asabol broke this stereotype by being fat and simple man and thus proved that stereotypes are often misleading. Asabol looked like an ordinary man who was not even active, but he
ये जो यहाँ पे वाला सूट नहीं होगा, डील विद ड्रेडफुल इवेंट्स स्मार्टली एंड साउंड हिमसेल्फ एंड फॉलोअर्स. सो ही वाज मिसलीडिंग वर्ड भी तो एक जगह पे मेंशन कर दो इधर, सो इट वाज मिसलीडिंग. ठीक है, अच्छा ओके. तो तनिष्का का चेक हुआ. उसके बाद लक्षित का नहीं, लक्षित बेटा दो नहीं तीन, तीनों ही अटेम्प्ट करना था. श्रेया का जो क्वेश्चन था अच्छा, अभी श्रेया लिखा है. डू नॉट लुक लाइक ए सीक्रेट एजेंट दैट फाउलर हैड बीन इवन रीड अबाउट. ही वॉज फैट वेरी फैट. ये क्या सेंटेंस है बेटा? सीक्रेट का स्पेलिंग भी गलत हो गया. मिसलेड एंड अट्रैक्टिव पॉसिबल वॉज नॉट, बट ही वॉज क्लेवर. तो मिसलेडिंग तो वर्ड को मेंशन करो. ओके ठीक है, श्रेय का भी कॉपी हो गया चेक. तुम लोग भी लिख दिया? अच्छा, वंशी का भी बोर्ड में लिख दी. रोहन सेंड कर रहे हो? हाँ बेटा, हाँ क्वेश्चन दे दिया ना बेटा. क्वेश्चन तो क्लियर है बेटा. हाँ अभी चेक करो. अभी रोहन ने जो लिखा, स्टीरियोटाइप्स आर ओपन मिसलीडिंग, दिस कोट इज वेरी ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट मिडनाइट विजिटर. कॉन्टेक्स्ट द मिडनाइट विजिटर बेटा, ये तो यहाँ पे द मिडनाइट विजिटर होगा. Which was written by Robert Arthur. Our secret agent Osabul is not like other secret agent. He is petty and had a simple life. He lived in a कौन सा hotel बेटा? Lusty hotel. अच्छा आदित्य बेटा, answer तो send करना चाहिए. In most of the fixed answer is secret agent is a fit guy with a gun in his hand and surrounded by beautiful girls, but the Osabul life, this type of luxurious are not there, but this does not. Okay. Dusra page hai kya? Does not mean that Osabul is not smart. He handled the situation very smartly. This fiction story is create a stereotype in our mind that person is like this only in real life. ठीक है बेटा, तुमने सही लिखा. ग्रामेटिकल थोड़ा मिस्टेक है, बाकी तो सही है. रोहन करेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ी मिस्टेक हुई.
ओके बहुत बढ़िया। अभी और भी कोई सेंड किया? प्रेरणा सेंड कर दी। ओके गुड, प्रेरणा सेंड कर दिया। ओके देखता हूँ क्या लिखा। पोएट्री की वेंट बैक टू मिसेस पंपरे बोथ बिकम वेरी 3-3 marks। एक साइड में लिखा है ना 2 questions 6 marks, दैट मीन्स 3-3 marks। टू एंड हाफ बिकॉज एक जगह ग्रामेटिकल मिस्टेक था। मिस्टेक होने से तो देखो मैंने उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर से चेक किया, वो तुम देखते देखते जाना और लास्ट में जाके तेरा नाम आएगा। मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड में सबका चेक कर रहा हूँ एक साथ, जैसे सेकेंड क्वेश्चन लेके सबका, तो तुम दूसरे का भी चेक कर सकोगे, अपना भी देख लोगे। ठीक है बेटा, जो मैंने देखो बेटा जो इंग्लिश है ना, अब से इसे कर दे रहा हूँ, मैंने यूट्यूब में भी उसका रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डर में जो तुम लिख रहे हो उसके लाइन टू लाइन पढ़ के भी चेक कर रहा हूँ कि क्या तुम्हारा मिस्टेक हुआ। थोड़ी देर बाद ही तुम्हारा पहुँच जाएंगे। When Tricky went back to Mrs. Pumphrey, they both became very happy. Tricky opened some days in lot. Overfitting this again become. ठीक है पिटना, ठीक है सही है। अच्छा मिल सकते हैं 2.5 भी 3 भी, सही लिखे हो पिटना, याद करके लिखे होंगे पेंडा। ठीक है पेंडा का फर्स्ट वाला हो गया। अच्छा सॉरी सेकंड वाला भी चेक करते बेटा। 2 टिक लगा मतलब तुम्हारा 2 क्वेश्चन चेक हुआ, 1 टिक लगा मतलब 1 क्वेश्चन चेक हुआ। टिक लगा मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो है सारे करेक्ट हो गए। पीपुल जज ए पर्सन विद देयर, ओहो बेटा ये तो लास्ट पे जज देयर कुछ लिखे लुक और देयर एसेसरीज एज, उसके बाद क्या लिखा। अच्छा इधर पे लिखा, ठीक है ठीक है। पीपुल जज ए पर्सन विद देयर लुक्स क्लोथ्स और देयर एसेसरीज एज। फाउलर वॉज फिट स्मार्ट एक्टिव, वेयर एज ऑन द अदर हैंड ऑसेबल वॉज स्लोपी एंड फिट सीक्रेट एजेंट। ऑसेबल डज नॉट फुलफिल एनी चेक बॉक्स फॉर and secret agent, while Fowler was the basis of looks, he appeared to be a great and critical situation is great and smart secret agent, but in critical situation possibly used his smart brain, but Fowler had no smart skill which could keep him to escape from the critical situation. Therefore, it is not a mandatory that our belongings or our looks will show our nature. Thus, never judge a book by its cover. अच्छा एक प्रभाव भी लगा दिया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई स्टीरियोटाइप इज मिसलीडिंग, ये वाला वर्ड भी लिख दो। सही लिखे हो बेटा, बहुत बढ़िया है। तो मिल जा सकते हैं 2.5 भी 3 भी, ठीक है बेटा सही लिखे। ओके प्रेरणा का दोनों ही चेक हो गई। उसके बाद अभी श्रेष्ठ भी लिख दिया। श्रेष्ठ क्या लिखा देखे, श्रेष्ठ का तो अभी ये वाला गोल 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 हमारा अभी जस्ट लिंक हो रहे हैं। अच्छा ओके, उसके बाद ऋतिक दे सक्सेना ने लिखे। ओ भाई तो काफ़ी जल्दी जल्दी सब लिख दिए। बेटा ऋतिक रिपीट कर रहा हूँ बेटा, 19 का सेकंड कहाँ है बेटा? तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो, जल्दी जल्दी लिख रहे हो, हैंड राइटिंग खराब करो, ऐसा क्यों? धीरे धीरे लिखो, प्रॉपरली लिखो बेटा। तीनों क्वेश्चन करना है, बार बार बता दिया। तनुष्का ने थर्ड पार्ट लिखे हो, तनुष्का थर्ड पार्ट नहीं बेटा, सेकेंड पार्ट भी तो होना चाहिए ना। श्रेया का भी यही प्रॉब्लम हुई उसने। हाँ जैसा ठीक है, सेकेंड भी लिखे। स्टीरियोटाइप्स आर ओपन मिसलीडिंग, दिस कोड्स हैट टाइम इन द मिडनाइट
visited in story polar expectation. Possible appearance, possible belt, stereotype due to overweight style. ठीक है, हैंडराइटिंग से और थोड़ा अच्छा करिएगा. टाइम तो बेटा लगता है कॉपी चेक करने. अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड का आंसर बेटा थोड़ी देर बाद चेक कर रहा हूँ. अच्छा, ओके. ये स्टीरियोटाइप्स ओपन मिसलीडिंग, बेटा मिसलीडिंग का ऐसी नहीं है, मिसलीडिंग हो गई. ठीक है सिवन, तो थोड़ा हैंडराइटिंग स्पेलिंग थोड़ा अच्छा करो बेटा. ठीक है, उसमें तुम्हारा नंबर के वजह से काटेंगे नंबर. शिवेंदु चेक तो कर दिया लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है. अब इसी मिस्टेक मिल रहा है तो अनुष्का ने दोबारा सेंड करी सेकंड क्वेश्चन. इट इज ट्रू दैट स्टीरियोटाइप आर ओपन मिसलीडिंग. Fowler, who had read about the life of a secret agent, was curious to meet them. He imagined that he would be thrilled to meet a secret agent, but Ossable did not. Ossable का ये छोटा हो गया बेटा. बेटा Ossable एक character है, capital होगा. Did not fit. I के ऊपर dot कहाँ गया बेटा? Okay, ठीक है. अमेरिकन बेटे क्या लिखा है, हैड एन अमेरिकन एसेंट. बेटा एसेंट क्या होगा, अमेरिकन एसेंट तो स्पेलिंग गलत होगा. ओके, तो मिस्टेक है, चेक तो कर दिया बेटा सेकंड पार्ट. अच्छा फिर ना थर्ड आंसर, एक मिनट सिस्टर का भी चेक होगी. रोहन का तो वाला चेक हो गया था. आदित्य शुभम ने सेंड किया था, देखता हूँ. अच्छा सेकंड वाला छोड़ दिया शुभम. अभी हम लोग थर्ड वाला डिस्कस करेंगे. ओके, अच्छा अभी बोर्ड में जो इसने लिखा, इट इज ट्रू दैट स्टीरियोटाइप्स आर ओपन मिसलीडिंग. फाउलर हु हैड रीड अबाउट द लाइफ ऑफ ए सीक्रेट एजेंट वाज क्यूरियस टू मीट देम. ही इमेजिन दैट ही वुड बी ए थ्रिल टू मीट ए सीक्रेट एजेंट बट ऑल्सो वुड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल सीक्रेट एजेंट. ही वॉज फैट एंड हैड एन अमेरिकन एसेंट एंड वास्लोपी, है ना. एसेंट अमेरिकन एसेंट मान लो, क्या बताना चाहते हैं. एसेंट का स्पेलिंग सही है, तुम तो उसके एक ही सेक्शन में. क्या क्या इसका मतलब क्या है, बिना मतलब से लिखने से नहीं होगा. गरिमा, गरिमा सेंड करी. ओके गुड, फिल्म चेक करते हैं, मीनिंग तो पहले हो जाए तभी ना. आफ्टर ही वेंट बैक टू मिसेस पंपरे, ही वुड बी वेरी हैप्पी. एज ए रिजल्ट मिसेस पंपरे मस्ट हैव नॉट टेकन गुड केयर ऑफ द डॉग एंड नॉट ओवर फीडिंग सो दैट ट्रिकी वुड स्टे हेल्दी. ओके ठीक है, सेकंड वाला तुमने लिखा, पॉसिबल डिड नॉट फिट इन डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन इज एन एंड सीम एंड डिड नॉट सीम टू बी अ स्मार्ट एक्टिव मोबल अग्रेसिव रोमांटिक. एज ए रीड अ बुक इन टू सीन फिल्म्स ही वॉज वेरी फैट एंड स्लोपी एंड क्रिस्टल वाइन एंड ब्यूटीज हैड नथिंग टू डू विद असबुल. हेंस स्टीरियोटाइप्स आर ओपन मिसलीडिंग. ओके बेटा बहुत बढ़िया.
वो वर्ड को ढूंढना अमेरिकन एसेंट का है। अच्छा ठीक है ओके। ये वाला चेक हो गया।